लगती है ना भाई साहब, तो दिल पे लगती है, गाड़ी लगती है ना तो इधर लगती जो ऐसा ना, वो गाड़ी तो बहुत ही लगेगी जिसमें फुल बजा भारी भारी बंदे बैठे होंगे, उसमें जाल होगा ना, जाल होगा तो ज़्यादा लगेगी, लगने का नेम प्लेट पीछे की जो है नेम प्लेट वगैरह लग रही है ये देखिए कितनी सुंदर बर्ड है, देखिए ये ग्रीन कलर की बर्ड देख रहे हैं, ये वाली उड़ गई, ग्रीन बीटर, कहीं नहीं जाना, दो ड्राइवरों की मूवमेंट है वहाँ रहने वाले बेच में, तो ग्रास लैंड के और उसके एरिया में दसवां वाटर होल जो है ना उसके आगे को आगे ना मोड़ पर जहाँ से ग्रास लैंड शुरू होता है बस उसी एरिया में वेट करना था वहीं रोक नाले के आसपास, ये मूवमेंट जो होगा ना वहीं पर होगा नहीं होगा। फटा पकड़ लिया यहाँ लगे बच्चों के भी, पहली बार लगे भी वो बरसात से, फीमेल है ना इस एरिया में, फीमेल है ना एक बच्चों के साथ, बच्चों के साथ एक फीमेल है यहाँ, वो देखी गई थी बच्चों को घुमाना शुरू करा है, बच्चे बड़े हो गए, देखो बैठ जाना नीचे सर में पेड़ लग जाएगा, इधर लगाऊंगा देखो, वो मूवमेंट कर रही है इसका मतलब मिलेगी, बच्चों के भी हैं, हाँ ये छोटा है, छोटा ये फीमेल का है, फीमेल का बुमार्क है, बच्चों के इधर लगे, बच्चों के भी हैं दोस्तों, टाइगर के पग मार्क लगे हैं फीमेल के बच्चों के साथ, एक फीमेल है जो अपने बच्चों के साथ मूवमेंट कर रही है यहाँ, इस बैठी थी ना वो इसी एरिया में मूवमेंट है उसका, देखो ये फीमेल का है, ये भी देखिए ये फीमेल का, वो बच्चे का था यार पीछे जो था, ये फीमेल का है देखिए, हाँ वाला पीछे जो था ना वो बच्चों का था, ये देखो ये बचा लेते हैं ना हम लोग, बचा देते हैं ना देखने के लिए, ये दोनों साइड को चली हुई है फीमेल, ये फीमेल का था ये वाला, वो पिछला बच्चों का था, बच्चे बड़े हो गए इसका मतलब, बच्चे शायद दो दिखे हैं इसके पास, देखो इधर लगा हुआ है हमारी तरफ में, अंदर को तो नहीं गई,
भाई उस वाले एरिया में रुकती, नाले में भी मिली थी एक दिन। मैंने पिछले बरसात से पहले ना बड़ा लाजवाब देखी थी, काफी टाइम तक साथ रही थी। बच्चे तो मैंने नहीं देखे थे, लेकिन मैंने फीमेल की साइटिंग बहुत अच्छी हुई थी इसकी, मुझे टाइग्रेस की। बहुत छोटे बच्चे थे, मतलब बच्चे नहीं, चल भी नहीं पा रहे। हाँ, मुँह में लेके चल रही होगी, मुँह में लेके। आगे क्या है वो? अच्छा, पीकॉक है। आगे पीकॉक है, मुर्गा है, देखे रेड जंगल फाउल। अब थोड़ा सा यहाँ साइलेंट रहना, इस एरिया में साइलेंट रहना। रेड जंगल फाउल बहुत महंगा है, थोड़ा सा मिल जाएगा। आपने अभी आपको आप शांत रहिए, आपको कई सारी बर्ड्स की साउंड मिलेगी, कई सारी बर्ड्स। ये क्या देखना लगता है, हिरन है क्या? शायद जंगल की सबसे छोटी डियर है, छोटा डियर है। आपको बच्चे का मूवमेंट हो रहा है, बच्चे का मूवमेंट। बढ़िया, थोड़ा सा साइलेंट रहना है। टाइगर जैसा इसके अंदर झाड़ियों में कहीं खुली जगह होगी तो वो खुली जगह बैठा होगा, जैसे मच्छर उच्छर ना परेशान करे, मक्खी मच्छर, तो ओपन एरिया में बैठा होगा, लेकिन कहीं अंदर की साइड। यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक है ना, गाड़ी चल रही है, जीप चल रही है, इस तरह ऐसे खुले एरिया में बैठेगा नहीं जहाँ पर डिस्टर्बेंस होगा। अंदर भी तो कहीं खुला एरिया होगा, जैसे इधर वाला एक खुला एरिया है, उस साइड में जहाँ पग मार्क थे ना उसके, तो उधर एक वाटर होल है, वो खुला एरिया है। बाहर से बंद हो गया वो चारों तरफ से, लेकिन बीच में खुला है, वहाँ बैठ गया होगा। देखो यहाँ भी चला, देख रहा हूँ, देखो बच्चों का ये रहे, ये बच्चे का, ये बच्चे का, ये बच्चे, ये बच्चों के सारे, ये वाला बच्चे का, ये सारे बच्चे के हैं, वो ये सारे ये नहीं, लेकिन इनके बच्चों के चले गए है ना, देखो आगे पीछे हो गए ना बच्चों के। ये देखो मूवमेंट अच्छी है, इधर भी मूवमेंट किया उसने, आप कह नहीं सकते ना टाइगर किस साइड को निकल गया। मूवमेंट तो टाइगर की अच्छी है, जब तक वो उठ के चलेगा नहीं, मूवमेंट पता नहीं चलता। अब इस टाइम क्या है ना, अर्ली मॉर्निंग मूवमेंट करता, बाकी अब रेस्ट पे चला जाएगा, रेस्ट में बैठ जाएगा कहीं, क्योंकि पूरी नाइट मूवमेंट। Thank you.
सामने गेट देख के आ सकते हैं। ये क्या करती है? देख के कॉल करती है। स्मेल आ रही है। ऐसा ना फाइट में जब फाइट होती है ना आपस में, या बच्चों को बचाने के लिए मेल से भिड़ जाती है ना टाइग्रेस, मेल जाना बच्चों को मार देता, जो मेल होता टाइगर वो बच्चों को मार देता है। अब ये मेटिंग सीजन है विंटर टाइम, तो इस चक्कर में बच्चों को मार देता है। फीमेल जो दो तीन तीन साल तक बच्चों का ख्याल रखती है ना, मेल से अलग ही रहती है, तो इस गुस्से में मेल टाइगर मार देता है। उसका कोई रिश्ता नहीं है, टाइगर फैमिली में कोई रिश्ता नहीं चलता। देखिए ये लगेगा, ये उधर ही गया है। टाइगर ये इधर 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 बैक साइड देखो, ये दोनों साइड को चला है, ये उधर चला है। टाइगर फैमिली में कोई रिश्ता नहीं चलता, तीन साल के बाद में ना सब खत्म। माँ भी बच्चों को छोड़ देगी, बच्चे अपना डेरिया बनाएंगे, अपनी टेरिटरी बनाएंगे, फिर नहीं एक दूसरे को पहचानते। हाँ लड़ जाएंगे आपस में, फाइट हो जाएगी आपस में। नहीं नहीं फीमेल छोड़ देती है, फीमेल छोड़ देती है ना, तीन साल बाद टाइगर टेरिटोरियल होता ना। मेल टाइगर तो कभी दो मेल टाइगर एक साथ नहीं रह सकते, वो लड़ जब तक बच्चे हैं जब तक रहते हैं साथ में, जब जैसे ही एडल्ट हो जाते हैं ना तो छोड़ देते हैं, एक दूसरे को अलग अलग हो जाएंगे, फिर मिलेंगे तो फाइट हो जाएगी, एरिया चाहिए होता है, एरिया की लड़ाई है। उनके भी हाँ देखो ऐसा ना, यहाँ जर की लड़ाई नहीं है, बस जंगल में जर की लड़ाई नहीं है। ये देखिए बहुत मूवमेंट है, हाँ ऐसे ऐसे चारों तरफ घूमा है ना, बहुत बढ़िया मूवमेंट है। अब उतर के जाएगा कौन? जाएगा वो देख तो लेगा, पता नहीं पाएगा। नहीं हम वीडियो बनाते हैं। हम इधर से गए थे ना, नेचुरल अच्छा दिख रहा है।
जाता है इसमें। क्या कर रहे थे? हाँ जाता, हाथी दौड़ा देता है, कुछ नहीं पता ना आप नीचे यहाँ घूम रहे हैं, कहाँ टाइगर बैठा है, कहाँ क्या है। पैदल में तो बहुत खतरा है, अब डर लगता है, लेकिन रोज का काम है, जब जंगल में रह रहा है तो क्या डर से घर में तो बैठेगा नहीं। डर तो सबको लगता है, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं, इन्हें जंगल का पता है, कहीं टाइगर एक्टिव होगा ना तो डियर मंकी आवाज़ करेंगे, कॉल करेंगे, समझते हैं उस चीज़ को, तो ये अलर्ट हो जाएंगे थोड़ा सा। लेकिन अचानक में अगर आमना सामना हो गया तो उसमें सेल्फ डिफेंस में अटैक कर देता टाइगर। पास में ही गाँव ही है ना, पास में ही गाँव है, जहाँ चाय पीजिए आपने वहीं से। लेकिन लोगों को हिम्मत बहुत है, कि टाइगर के एरिया में, एनिमल के एरिया में ना पैदल आ जाते हैं, बहुत हिम्मत है इन्हें, मैं नहीं आने वाला। नहीं नहीं टाइगर से कौन भाग सकता है, टाइगर को आप टाइगर से भाग सकते हो तो सेकंडों में पकड़ लेगा। वो वीडियो देखी आपने जो मैंने दिखाई थी, टाइगर कितनी स्पीड से भागता है, हाँ देखी सर ने देखी है। डियर को देख के थोड़ा सा अलर्ट सी लग रही है, मेल मेल इसके एंटलर है ना, वो मेल है, बारह सिंह का साइज भी बड़ा होता है ना, सामर डियर जैसा होता है वो। नंदो जैसे यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं ना टाइगर, तो छोड़ो हाथी से तेज नहीं भाग पाओगे, मैंने नाइट स्टे पे था और वहाँ पर आफ्टरनून सफारी पे जब मैं निकला ना तो बड़ी फाइन लाइन चला गया, और बड़ी फाइन लाइन जैसे मैं हाई बैंक पे पहुँचा, हाई बैंक वाला एरिया जो, तो जैसे मैंने ऊपर को चढ़ाई ना तो मुझे टाइगर दिखा चलता हुआ रोड पे, तो मैंने कहा मैंने टाइगर है आगे रोड पे, और जैसे ही थोड़ा आगे गया उसके तो लेफ्ट में हो गया, साइड लेफ्ट में खड़ा हो गया टाइगर जाके, दो बच्चे उसके साथ, फीमेल थी, दो बच्चे थे 4-5 महीने के बच्चे उसके साथ, भाई साहब वो भी नॉर्मल रही, और उसे ना वो हम पीछे थे, वो गाड़ी के आगे आगे चल रही थी, थोड़ा डिस्टेंस तो हमने बना रखा था लेकिन गाड़ी के आगे आगे चल रही थी, कुछ नहीं वो एक बार भी उसने चार्ज या गुस्सा नहीं करा, जबकि उसमें एक बच्चा जो था ना वो शरारती था, वो मुड़ मुड़ के देख रहा था बार बार, लेकिन टाइगर ने बिल्कुल कुछ नहीं किया, बड़ा कूल मोड में ना आराम से आगे आगे चलती रही, फिर बाद में अंदर को हो गई। तो ऐसा ना मेन रीज़न टाइगर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उससे डिस्टेंस बना कर रखो और उस तरीके से बिहेव करो, उसके अपना बिहेवियर ऐसा रखो जो उसे खतरा महसूस ना हो, तो चार्ज नहीं करेगा। और कभी भी रास्ता ब्लॉक नहीं करना चाहिए टाइगर, अगर रास्ता ब्लॉक करते हैं ना तो वो जरूर चार्ज करता है। जबकि फीमेल थी, दो बच्चों के साथ थी और मेरी एक ही गाड़ी थी, लेकिन नहीं बहुत बढ़िया देखा था उस दिन भी टाइगर, दिन कोलकाता के गेस्ट थे मेरे साथ, नाइट स्टे पे था मलानी का, मलानी नाइट स्टे पे, और दोपहर में देखा था, भरी दोपहर में फर्स्ट में जब उधर पहुँचा आफ्टरनून सफारी पर।
और टाइगर चकमा कैसे देता हूँ भाई साहब। हम महेंद्र भाई और मैं हम लोग पहुँचे नागा ताल पे बिजरानी में। नागा ताल पे जब पहुँचे ना तो नागा ताल पे टाइगर मिला पेड़ के धुरे खड़ा हुआ। सीखा हंट के मूड में था वो। यहाँ भी चला हुआ टाइगर देखो पंजे लगे हुए। वो हंट के मूड में था, हंट के मूड में तो देख लिया टाइगरेज थी। देख लिया महेंद्र भाई कह रहे सदा टाइगर है। मैंने हाँ तो हमने गाड़ी घुमा ली। मैंने चलो तो और थोड़ी थोड़ी घास थी, छुप भी नहीं रहा था उसमें टाइगर। थोड़ी थोड़ी घास थी तो जब इधर को चल रही थी ना तो मैं थोड़ा सा आगे से गाड़ी घुमा के लाया। इतने में गया टाइगर थोड़ा सा ऐसे अपने उस टाइगर के सामने गाड़ी घुमाई हमने, लेकिन थोड़ा सा नज़र से ओझल हुआ टाइगर गया। वो मैंने यार अभी तो यहीं थी कहाँ चली गई। बाद में हमने वहाँ वेट करा और जबकि चारों तरफ रोड है उसके, बहुत खुला हुआ एरिया, कहीं को भी चलती पता चल जाता डियर वोर सब थी वहाँ। लेकिन हमने दो थोड़ा सा वेट करा, बड़े मेन रोड पर पहुँच गए नागाताल वाले मेन रोड पर, नहीं देखी। फिर हम वापसी आने लगे। मैंने चलो यार टाइम हो गया वापसी आने का। आम सोती जब पहुँचा ना तो बीच रोड में बैठी। तो भाई मैंने यहाँ कब आ गई है, मतलब नागाताल से आम सोती आ गए और कोई कॉल नहीं और कुछ नहीं है, हमारी आंखों के सामने ओझल हुई और मेन रोड पर बैठी भी मिली आम सोती पर। तो टाइगर ऐसी चीज़ है भाई साहब, एकदम चकमा दे देता है। टाइगर तो पता ही है कि कब कहाँ निकल जाए कोई पता नहीं। तो रहा हूँ मतलब आम सोती पे मिली तुम ढूंढो कहाँ निकली कहाँ को पता नहीं। वही तो मैं कुछ चक्कर में मैंने यार ये टाइगर भी वही है क्योंकि देख लिया था उसके वाइट वाइट कलर के नीचे गर्दन में वाइट कलर था उसके, सेम मिला लिया वीडियो बनाई थी। मैंने यार ये तो टाइगर वही है, लेकिन ये आई कब और किधर से आई, क्योंकि किसी एनिमल ने कॉल नहीं करी कुछ नहीं करी और आम सोती पे चाट रही बैठी हुई कुछ जमीन पे बैठी हुई। वीडियो है डाल रखी मैंने चैनल में। टाइगर भाई टाइगर का कोई एकदम से कोई नहीं समझ सकता भाई। जब कहते हैं ना जहाँ से सोच शुरू खत्म होती है ना उसकी शुरू होती है। वो ऐसा चकमा देता शिकारी है ना अंतर बहुत बड़ा, और ऐसा जाता है भाई तो पता नहीं चलता आंखों के सामने से गायब हो जाएगा। और उसने हमसे तो बचाया अपना आपको डियर मंकी से बचा के वहाँ पहुँच गया पता नहीं। कर रहे हैं गर्जिया जोन जंगल सफारी से एग्जिट, यानी गर्जिया जोन से एग्जिट कर रहे हैं हम लोग। हमारे संभाग सफारी समाप्त हो चुकी है और ये है रिंगोड़ा विलेज जहाँ से गर्जिया जोन का गेट मिलेगा आपको। काला पानी तो उसकी शत्रुघ्न सिन्हा की दिखे। अच्छा सीरीज है। ऑनलाइन करते हैं वो, फोन पे डिटेल भेज देना मुझे आ जाए जैसे तुम भेजो वैसे आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे एक बार कॉल मार देना वैसा आ जाएगी, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 0 9 7 9 7 9 9 9 6 6 1 3 आई होप जब एंजॉय किया आप लोगों ने, क्या कर दो दिखा नहीं। थैंक यू ओके देख लो कहां दो तीन देख के आए। क्या हुआ कोई रोटेशन के अंदर चली गई क्या? देखा
तो अभी नैनीताल की ट्रिप है आपकी, अभी नैनीताल निकलोगे? जब आप नैनीताल जाओगे ना तो डायरेक्ट नैनीताल मत जाना, सीधा कालोडोंगी जाना। कालोडोंगी से जब ऊपर को चढ़ोगे तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आएंगे रास्ते में, बहुत बहुत खूबसूरत जगह आएंगी। रुकते रुकाते चाय पानी पीते